नमस्ते, योगा विद नैन्सी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम बढ़े हुए वेट के बारे में। मोस्टली लोग सफ़र करते हैं मोटापे का मोटापे से, और ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करें अपना वजन कम करने के लिए। ऐसा क्या करें, क्या खाएं पिएं, क्योंकि देखिए इतनी सारी इंटरनेट पे वीडियोज़ या फिर इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि हम सिलेक्ट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली मतलब हमें किस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि क्या पता है कि कुछ लोगों के काम भी आ जाए। देखिए, मेरी डिलीवरी के 5 मंथ के बाद मैंने 3 मंथ्स तक अपनी डाइट को कंट्रोल किया, और उससे मेरा 20 kg वेट लूज़ हो गया। और देखिए, ये वो क्रूशियल टाइम था, क्योंकि 6 मंथ तक आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराना पड़ता है, वो बिल्कुल आपके मिल्क पर ही डिपेंडेंट रहता है। और मेरी बेटी ब्रेस्ट फीड ही लेती थी, वो फॉर्मूला मिल्क या वैसा मिल्क नहीं लेती थी। तो मुझे डर भी था कि अभी ये ऐसा टाइम है कि कहीं जैसे मिल्क की प्रोडक्शन कम ना हो जाए या फिर उसकी हेल्थ ना इससे इफ़ेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे 5th मंथ के बाद, जैसा कि मैंने कहा आपको, मैंने अपनी डाइट में से जैसे शुगर को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया। स्पेशली 3 मंथ्स के लिए तो मैंने एक चम्मच चीनी भी यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि जब आपका ऑलरेडी फैट स्टोर्ड है बॉडी के अंदर और आप ऊपर से शुगर लोडेड अगर आप कोई भी चीज़ें खाओगे, तो उससे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी की है वो तो आप जैसे डेली जो भी खाना खाते हो उससे फिर हो जाएंगी, लेकिन जो शुगर है वो स्पेशली आपकी फैट में ही कन्वर्ट होकर वो स्टोर हो जाएगी। तो जब भी आप डाइटिंग करें या फिर अपनी डाइट को चेंज करें स्पेशली आपका वेट कम करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट से आप शुगर को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दीजिए। आपको शुगर बाहर से बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप फ्रूट्स में जितनी भी शुगर है, हाँ, वो दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज फ्रूट्स also has like fibers which is basic part of our diet to reduce our weight. तो आप fruit खाइए अच्छे से। आप carbs भी आप थोड़े से कम कर दीजिए, जैसा आप अगर पूरे दिन में जैसे आप रोटी या फिर ब्रेड सीरियल या जो कुछ आप लेते हैं उसकी क्वान्टिटी आप कम कर दीजिए। जैसे जब मैं अपनी डाइट का अगर मैं डिस्कस करूँ, तो मैं पूरे दिन में हार्डली मैं एक रोटी खाती थी, और मैं सैलेड और फ्रूट्स में ढेर सारे खाती थी, और प्रोटीन के लिए मैं एग्स अपनी डाइट में इंक्लूड करती थी। अगर आप और मैं मिल्क भी 2 ग्लास के आसपास लाइक 500 ml तक मैं मिल्क भी लेती थी। और ऐसे मतलब कुछ और डाइट में मैंने क्या क्या खाया और क्या कुछ इंक्लूड करा, वो डिटेल में मैंने रेसिपीज भी नोट डाउन करके रखी हुई है, और मैं अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो रेसिपीज बना के भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए। देखिए, मैं एक इंडियन गर्ल हूँ और उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा कुकिंग करना अच्छा लगता है। जैसे मैंने अपने टाइम पे जब वेट लूज करा, तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे वेट लूज करने के लिए कि क्या खाएं क्या पिएं, लेकिन हमें कभी कभी अपने खाने की भी क्रेविंग होती है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, और स्पेशली क्या क्या हार्डशिप जैसे उसमें आती हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए और कैसे उन चीज़ों पे आप कंट्रोल करें, तो वो सब भी मैं आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्पेशली इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप डाइटिंग करते हैं तो अपनी डाइट से आप शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। आप मैंने देखी उस टाइम पे एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं करी थी, घर पे ही रहती जैसे मैं नॉर्मल योगासन करती हूँ वो मैंने किए थे, और मेरी 1 आवर की वॉक मेरी रहती थी 30 मिनट मॉर्निंग में 30 मिनट इवनिंग में। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है जब आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करते हैं, और स्पेशली आप जैसे खाने से अपनी कैलोरीज को रिड्यूस करते हैं, तो आपके बॉडी के ऊपर वो असर दिखता है कि आपका वेट लूज होना शुरू हो गया है। और देखिए, आप डीमोटिवेट मत होइए। ऐसे कई लोग होते हैं कि वो एक वीक तक मतलब कुछ अपनी डाइट चेंज करेंगे लेकिन उनको इफेक्ट नहीं दिखते, तो रदर देन डिसअपॉइंटिंग आप सर्च आउट कीजिए कि ऐसा आपकी डाइट में क्या गलत हो रहा है, क्या आप मिस कर रहे हैं कि बाकी लोगों का वेट कम हो रहा है लेकिन आपका क्यों नहीं हो रहा सेम चीज़ें करने से, तो वो आप मैच कीजिए कि कहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हैं। और अगर वेट लूज करने से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उनका रिप्लाई करूँगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। योगा से जुड़े रहने के लिए हमारे योगा विद नैन्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।